Hello friends, in today's video we'll discuss about the working of various flip-flop. जो different types के flip-flop हैं उनकी क्या working है, किस तरीके से उनकी characteristic table generate होती है और क्या कोई shortcut procedure है जिससे इनकी table को याद रखा जा सके, इसके बारे में हम discuss करेंगे one by one in detail. There are four types of flip-flop that we will use. The first one is called the SR flip-flop, जिसकी full form क्या होती है, सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप. ये पहली टाइप का फ्लिप फ्लॉप है. सेकेंड टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज डी फ्लिप फ्लॉप, जिसको हम डेटा फ्लिप फ्लॉप या डिले फ्लिप फ्लॉप भी कहते हैं. थर्ड टाइप ऑफ द फ्लिप फ्लॉप इज जेके फ्लिप फ्लॉप. जेके फ्लिप फ्लॉप जो नेम आया, इट इज़ एक्चुअली द मॉडिफाइड SR फ्लिप फ्लॉप. ये जो SR फ्लिप फ्लॉप है, इसमें कुछ प्रॉब्लम थी, वो क्या प्रॉब्लम है अभी हम डिस्कस करेंगे. इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप इंट्रोड्यूस हुआ, जिसमें जो जे और के नेम आया, दैट इज़ द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डेवलप दिस एल्गोरिथम और दिस फ्लिप फ्लॉप, दैट इज जैक किल्बी फ्लिप फ्लॉप. जैक किल्बी इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डेवलप दिस मॉडिफाइड SR फ्लिप फ्लॉप. उसके नेम पर जे फॉर जैक, के फॉर किल्बी, उसके नाम पर ये फ्लिप फ्लॉप का नाम दिया गया है. लास्ट वन इज द टी फ्लिप फ्लॉप. टी फ्लिप फ्लॉप फुल फॉर्म इज टॉगल फ्लिप फ्लॉप, जिसमें वैल्यू क्या करती रहती है, टॉगल होती रहती है, चेंज होती रहती है. तो नाउ विल डिस्कस वन बाई वन इन डिटेल. सबसे पहले हम लेते हैं सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप या SR फ्लिप फ्लॉप को. सेट रीसेट में सेट का मतलब होता है किसी वैल्यू को वन करना और रीसेट का मतलब होता है किसी वैल्यू को जीरो करना. ठीक है, जैसा कि हमें पता है कि फ्लिप फ्लॉप को हम दो तरीके से डिजाइन कर सकते हैं. या तो हम दो एंड गेट और दो नोर गेट यूज़ करें, उससे आप फ्लिप फ्लॉप डिजाइन कर सकते हैं, या आप सिर्फ और सिर्फ नैंड गेट यूज़ करके भी फ्लिप फ्लॉप डिजाइन कर सकते हैं. इन टुडेज वीडियो वी विल डिस्कसिंग ओनली द डिज़ाइन ऑफ द फ्लिप फ्लॉप यूजिंग एंड एंड नोर गेट. इन अनदर वीडियो विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द नैंड टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप ऑल्सो. लेकिन यहाँ पर हमने जो फ्लिप फ्लॉप की डिजाइनिंग यूज़ की, उसमें एंड गेट और नोर गेट को डिजाइन करके हमने बनाया है. ठीक है, इसके लिए एक चीज़ जो हमने CP वर्ड यूज़ किया, यहाँ पर CP यूज़ किया है क्लॉक पल्स के लिए, S यूज़ किया है सेट इनपुट के लिए और R यूज़ किया है हमने रीसेट इनपुट के लिए. दो इनपुट होते हैं, सेट और रीसेट. फ्लिप फ्लॉप का, जैसे कि हमको पता है कि फ्लिप फ्लॉप का काम क्या होता है, टू स्टोर वन बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन, आइदर जीरो और वन. वन बिट ऑफ स्टोरेज क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप होता है. ठीक, और एक और प्रॉपर्टी होती है फ्लिप फ्लॉप की, क्या कि इसमें दो स्टेट्स होती हैं, Q एंड Q डैश बोथ आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर. जो भी इसकी वैल्यू होगी उसकी कॉम्प्लीमेंट वैल्यू क्यू डैश होनी चाहिए. अगर ऐसा नहीं आ रहा है किसी भी स्टेज में, इसका मतलब है सर्किट में कोई प्रॉब्लम है. तो हमेशा क्या आनी चाहिए, वैल्यूज एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट आनी चाहिए. एक चीज़ और बता दें, जो इसकी टेबल है उसको हम ट्रुथ टेबल नहीं बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड द करेक्टरिस्टिक टेबल. ठीक है, और इसमें क्या होता है, एक क्लॉक पल्स जो हमने बताया था, क्लॉक पल्स यूज़ कर रहे हैं. क्लॉक पल्स क्या होता है, ये हमने इस तरीके से क्लॉक पल्स बनाई है. इसमें दो क्लॉक पल्स हैं, क्लॉक पल्स वन यहाँ से यहाँ तक, क्लॉक पल्स टू यहाँ से यहाँ तक. हर क्लॉक पल्स में एक पॉजिटिव पार्ट होता है, एक नेगेटिव पार्ट होता है. ये जो पार्ट है क्लॉक पल्स का प्लस वाला, ये पॉजिटिव पार्ट है, ये इसका नेगेटिव पार्ट है. फिर दूसरी क्लॉक पल्स का ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है. या तो आपका फ्लिप फ्लॉप पॉजिटिव पार्ट में वर्क करेगा या नेगेटिव पार्ट में वर्क करेगा, किसी एक पार्ट में वर्क करेगा. और क्लॉक पल्स देने का पर्पस क्या है, ये आपको बताए थे. क्लॉक पल्स इसलिए देती है कि सर्किट, ये हमेशा जो सर्किट होते हैं, दे आर नॉट ऑलवेज इन वर्किंग कंडीशन. ये वाले जो सर्किट हैं, ये बाय डिफॉल्ट आपके एक्टिवेटेड नहीं होते हैं. इनको जब क्लॉक पल्स दी जाएगी कुछ टाइम के लिए, तभी एक्टिवेट होंगे. क्लॉक पल्स क्या, अपने आप में एक टाइमिंग सिग्नल है कि कुछ सेकंड के लिए या कुछ माइक्रो सेकंड मिली सेकंड के लिए हमने सर्किट को एक्टिवेट कर दिया. अगर मैं कह रहा हूँ कि प्लस और माइनस है, हो सकता है कि टोटल टाइम ड्यूरेशन कितना हो, 5 मिली सेकंड का हो, जिसमें 2.5 मिली सेकंड ये प्लस है, 2.5 मिली सेकंड ये ज़ीरो है, फिर 2.5 सेकंड ये प्लस है, फिर 2.5 मिली सेकंड ये ऑफ है. तो हर क्लॉक पल्स के दो पार्ट होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव. ठीक है, तो हमारा ये वाला जो एंड और नोट से सर्किट बनता है, इट ऑलवेज वर्क्स इन द पॉजिटिव पल्स. जो क्लॉक पल्स का पॉजिटिव पार्ट होता है उसी में ये वर्क करेगा. नेगेटिव में काम नहीं करेगा, फिर पॉजिटिव में काम करेगा, फिर नेगेटिव में काम नहीं करेगा.
ठीक है, तो जब पॉजिटिव होता है तो उसकी वैल्यू को हम 1 एज्यूम करते हैं क्लॉक पल्स को, जब नेगेटिव होती है उसकी वैल्यू को 0 एज्यूम करते हैं। तो हमने क्या बताया, जब क्लॉक पल्स पॉजिटिव होगी तब वर्क करेगा, इसका मतलब जब क्लॉक पल्स की वैल्यू 1 होगी तभी वर्क करेगा ये सर्किट, क्लॉक पल्स जब एक्टिव होगी। इसलिए हमने ये बताया कि ये टेबल आपकी कब वर्क करेगी, व्हेन क्लॉक पल्स इक्वल टू 1, जब क्लॉक पल्स क्या होगी 1 होगी। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो सर्किट है इसमें एस और आर तो आपके हो गए इनपुट्स, ये एस और आर इनपुट्स हो गए। क्यू क्या है, क्यू ये वाला, दिस वन इज द क्यू। क्यू क्या शो कर रहा है, प्रेजेंट स्टेट। प्रेजेंट स्टेट का मतलब क्लॉक पल्स देने से पहले क्या हो रहा है, क्लॉक पल्स आपने कनेक्ट कर रखी है लेकिन क्लॉक पल्स जैसे ही 1 मिलेगी उससे पहले सर्किट किस स्टेट में था, फ्लिप फ्लॉप की क्या वैल्यू थी, वो क्यू कहलाती है। तो ये वाली साइड जो है, ये वाली क्या है, क्लॉक पल्स देने से पहले क्यू की क्या वैल्यू है, एस की क्या वैल्यू है, आर की क्या वैल्यू है। ठीक, यहां पर क्या लिखा हुआ है, क्यू प्लस और क्यू प्लस डैश। क्यू प्लस का मतलब क्या, यही वाला क्यू क्यू प्लस बन जाता है, जो क्यू है वो क्लॉक पल्स देने से पहले है। क्यू प्लस का मतलब क्या है, क्लॉक पल्स देने के बाद। फॉर एग्जाम्पल क्यू का मतलब है, क्यू का मतलब है क्यू एट टाइम टी, और Q प्लस का मतलब क्या है, Q प्लस क्यू एट टाइम टी प्लस 1। क्लॉक पल्स देने से पहले क्यू टी, क्लॉक पल्स देने के बाद क्यू टी प्लस 1, ये वैल्यूज क्लॉक पल्स देने से पहले, क्लॉक पल्स देने के बाद, ये कंडीशन। ठीक, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन Q एंड Q प्लस। अब Q, S और R ये तीन इनपुट हैं, इसका मतलब इसके कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल बनेंगे, इफ यू हैव थ्री इनपुट्स देर आर पॉसिबल ऑफ 8 कॉम्बिनेशंस। कौन कौन सी, 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111, 8 कॉम्बिनेशंस हो गए। ठीक, सबसे पहले हम कॉम्बिनेशन उठाते हैं 000 पर, क्या होगा 000 अगर देते हैं तो सर्किट ये किस तरीके से वर्क करेगा, तो एक बार देख लेते हैं। मान लीजिए क्यू क्या है, 0 है, ये वाली वैल्यू 0 है। एस क्या है, 0 है, एस की वैल्यू आप 0 ले लीजिए। आर क्या है, 0 है, आर की वैल्यू आप 0 ले लीजिए। क्लॉक पल्स हमने क्या मान रखा है, 1, अगर ये सर्किट वर्क कर रहे हैं। ठीक, अब देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। क्लॉक पल्स यहाँ 1 है, क्लॉक पल्स यहाँ 1 है, 1 और 0 का एंड क्या आएगा, 0, 0 और 1 का एंड क्या आएगा, 0। क्लॉक पल्स 1 है, इसका मतलब इतने टाइम तक जब क्लॉक पल्स 1 है, जैसे ही क्लॉक पल्स ये 1 होना स्टार्ट हुआ, सर्किट ने कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दिया, यहाँ 0 आ गया, यहाँ 0 आ गया। अब क्लॉक पल्स तो अभी चालू है, ये सर्किट इधर वैल्यू दे रहा है, ये सर्किट इधर वैल्यू दे रहा है, किसी से भी आप कैलकुलेट कर लीजिए, पहले चाहे 1 पे कैलकुलेट कर दीजिए कैलकुलेशन, या 2 पे कर लीजिए, उससे रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो हम पहले इस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 0 इधर से जा रहा है, यहाँ से क्या वैल्यू जा रही है, अगर ये 0 है इसका मतलब क्या होगा, प्रीवियस स्टेट में अगर हमने क्यू 0 ले रखा है, इसका मतलब क्यू डैश क्या होगा उस समय, 1 होगा। तो 1 कहाँ जा रहा है, ये वाला इधर जा रहा है 1। 0 और 1 का नॉर करिए क्या आएगा, 0 प्लस 1 1, और नॉर करने के लिए उसका कॉम्प्लीमेंट 0, 0 प्लस 1 1, और नॉर में कॉम्प्लीमेंट किया तो क्या आ गया, 0 आ गया। पहले भी 0 था, अब मॉडिफाइड वैल्यू भी क्या आ गई, 0 आ गई। ये 0 किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, जो नई वैल्यू आई 0, ये किधर आ गई, इधर आ गई, हमने पहले कैलकुलेट इस पर करा है। ये जो 0 आया, 0 और 0 का नॉर करिए क्या आएगा, 1 आ गया, 0 प्लस 0 0, नॉर में कॉम्प्लीमेंट किया 1। हो सकता है कि ये जो हमारी 0 और 1 आई इतनी क्लॉक पल्स तक में आ गई, क्लॉक पल्स स्टार्ट हुई इतने टाइम ड्यूरेशन में, मान लीजिए 1 मिली सेकेंड में ये 0 और 1 आ गया, लेकिन क्लॉक पल्स तो ही बाकी बची हुई है, तो ये सर्किट क्या करेगा, कैलकुलेट करता रहेगा। जब तक, कब तक कैलकुलेट करता रहेगा, यानी कि ये 0 1 जो आए रिजल्ट, इनके नई वाली वैल्यूज वो भी दोबारा फीडबैक होती रहेंगी, क्यों, सर्किट तो एक्टिव है अभी। तो जो वैल्यू 0 1 आई वो फिर से इसको मिली, फिर तो 0 0 1 यहाँ 1 आया, ये फिर से इसको मिला 0 1 1 और कॉम्प्लीमेंट 0, फिर दोबारा क्या वैल्यू आ गई, 0 1 ही आ गई, फिर दोबारा वैल्यूज कैलकुलेट कर लीजिए, फिर 0 1 आएगा। तो ये सर्किट फीडबैक कब तक चलता रहेगा, बार बार चलता रहेगा, वैल्यू किस पे आगे कांस्टेंट हो चुकी है, क्यू 0 पर और क्यू डैश 1 पे। ठीक, तो जब ये क्लॉक पल्स पॉजिटिव वाली ख़त्म होगी यहाँ पर,
उस समय रिजल्ट क्या होगा, क्यू पर 0 और क्यू डैश पर 1 होगा। वही आ रहा है देखिए, क्यू पर 0, क्यू डैश पे 1। क्लॉक पल्स के बाद वैल्यू के क्यू किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्यू प्लस में, तो वो क्या आ रहा है 0, ये क्या आ रहा है 1। ठीक है, एक और केस देख लेते हैं समझने के लिए। और मान लीजिए ये वाला केस है, थर्ड केस 010, इस पे क्या आएगा देख लेते हैं। यहाँ से वैल्यू चेंज कर दीजिए, क्यू क्या है 0 है, क्यू 0 है, यानी क्यू डैश 1 होगा। एस क्या है 1 है, आर क्या है 0 है। ठीक, 010 पे कैलकुलेट करके देखते हैं क्या आ रहा है। देखिए 0 और 1 का 0 आ गया, 1 और 1 का क्या आ गया 1। अब पहले चाहे इस पे 1 पे कैलकुलेट कर लीजिए कैलकुलेशन, या 2 पे कर लीजिए, वो आपकी मर्जी है। मान लो हम पहले 1 पे कर रहे हैं, या इस बार पहले 2 पे करके दिखा देते हैं। मान लो हम पहले 2 पे कर रहे हैं, तो 2 पे क्या कैलकुलेशन होगी, पहले 1 तो आ ही रहा है, इधर से आया 0, 0 और 1 का नॉर कितना होगा 0 प्लस 1 1 कॉम्प्लीमेंट 0, यानी नई वैल्यू क्या आ रही है F0, पुरानी वैल्यू 1 थी, नई वैल्यू क्या आ गई 0। ये जो नई वैल्यू आई ये जाएगी इधर, ये नई वैल्यू क्यों जा रही है, क्योंकि हम पहले इस पर कैलकुलेट कर रहे हैं 2 पे। 0 प्लस 0 0 क्या आ गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया 1। ये 1 इधर आया, अभी क्लॉक पल्स तो एक्टिव है ही है, फिर से यहाँ फीडबैक आएगा, ये वाला 1 इधर आ गया, 101 1 कॉम्प्लीमेंट 0 नौ रुपये। ये 0 आया, ये इधर गया 0 0 0 1, फिर ये 1 इधर आया 111 कॉम्प्लीमेंट 0, ये इधर गया 0 0 0 कॉम्प्लीमेंट। किस पर वैल्यू कांस्टेंट हो गई, क्यू की वैल्यू 1 और क्यू डैश 0, क्योंकि जब तक क्लॉक पल्स चल रही है ये फीडबैक लगातार चलता रहेगा, लेकिन फीडबैक किस पर आकर कांस्टेंट हो गया, क्यू 1 पे, क्यू डैश 0 पे। ठीक है, ये देख लीजिए आप, क्यू 1 पे और क्यू डैश 0 पे। ठीक, अब एक जो स्पेशल केस है जिस केस की वजह से इसमें प्रॉब्लम होती है उसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमने क्या लिखा है, 011 पे क्या है, क्रॉस क्रॉस, क्रॉस क्रॉस का मतलब क्या, डोंट केयर। डोंट केयर का मतलब ये है कि इनकी वैल्यू सही नहीं आएंगी, क्या प्रॉब्लम आएगी वो देख लेते हैं। यहाँ से मैं क्रॉस क्रॉस हटा देता हूँ, एक्चुअल जो वैल्यूज आएंगी वो आपको बताऊँगा, और फिर बताऊँगा कि क्रॉस क्रॉस क्यों लिखा है हमने। 011 का केस देखिए, ठीक, 011 का मतलब क्या है, क्यू 0 है, इनको पहले हटा देते हैं वैल्यूज़ को जिससे कन्फ्यूज़न ना हो। जीरो वन वन के लिए निकाल रहे हैं, यानी कि क्यू 0 है, क्यू 0 है तो इसका मतलब क्यू डैश उस समय 1 होगा। एस और आर दोनों क्या है, 1 1 है, क्लॉक पल्स भी क्या होगी, 1 1 होगी, जो हम कह रहे हैं सर्किट वर्क कर रहा है। देखिए 1 और 1 का एंड कितना आएगा 1, 1 और 1 का एंड कितना आएगा 1। इस बार मान लेते हैं पहले हम 1 पे कैलकुलेट करें, किसी पे भी कैलकुलेट कर लीजिए, उस इट डजेंट मेक एनी चेंज इन द रिजल्ट। मान लो पहले इस पे कैलकुलेट कर रहे हैं इस बार, तो इस पे जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये वाली वैल्यू क्या आ रही है इस पे, ये वैल्यू 1 है, यहाँ पर 1 इधर गया, 1 और 1, 1 और 1 का नॉर कितना आएगा 0, ये 0 किधर आ गया, इधर आ गया भाई 0, नई वैल्यू जो आई 1 1 का 0 करके ये 0 इधर आ गया, ये 0 को आप इधर लीजिए, 0 और 1 का नॉर करिए कितना आएगा 0 प्लस 1 1 कॉम्प्लीमेंट 0, यानी नई वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। अब ये क्योंकि क्लॉक पल्स तो ही बची हुई है, फिर से फीडबैक हुआ इधर 0 आकर, 0 प्लस 1 का नॉर क्या हुआ 0 प्लस 1 1 कॉम्प्लीमेंट 0, 0 आ गया, फिर ये 0 इधर आया फीडबैक में 0 प्लस 1 1 कॉम्प्लीमेंट 0, फिर इधर गया 0 प्लस 1 0, फिर इधर आया 0 प्लस 1 0। क्लॉक पल्स जब तक ख़त्म होगी तब तक ये वैल्यू क्या रहेगी, ये भी 0 ये भी 0, दोनों क्या आ रहे हैं, क्यू भी 0 आ रहा है, क्यू डैश भी 0 आ रहा है, जबकि होना क्या चाहिए, दोनों में से एक 0 होना चाहिए, दोनों एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट वैल्यू होनी चाहिए। अगर ये 0 है तो ये 1 होना चाहिए, ये 1 है तो ये 0 होना चाहिए, जबकि आ कह रहे हैं क्यू और क्यू डैश दोनों 0 0 आ रहे हैं, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए हम क्या लेते हैं इस केस में, डोंट केयर लेते हैं। डोंट केयर का मतलब इसकी सही वैल्यू कैलकुलेट नहीं की जा सकती। ये क्या शो कर रहा है, इनडिटरमिनिस्टिक स्टेट, एक ऐसी स्टेट जो कि इनडिटरमिनिस्टिक है, दैट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप, जिसकी वजह से हमने कहा था कि ये JK फ्लिप फ्लॉप आया, वो इसी वजह से आया, इस प्रॉब्लम की वजह से।
कि जेके जो एसआर फ्लिप फ्लॉप है वो जब दोनों वन वन होते हैं एस और आर तो हमेशा क्या दिखाता है, इनडिटर्मिनिस्टिक स्टेट दिखाता है, यानी कि क्यू प्लस और क्यू प्लस डैश की वैल्यू को कैलकुलेट सही से किया ही नहीं जा सकता। आप देखिए जब 111 भी आएगा ये वाला केस, इसमें भी जब एस और आर दोनों 11 है तब भी ये कैलकुलेट नहीं हो रही वैल्यू, ठीक है। तो दिस इज़ वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम ऑफ एस आर फ्लिप फ्लॉप। इसी तरीके से जैसे मैंने आपको प्रोसेस बताया आप बाकी किसी भी वैल्यूज को चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया ये टेबल किस तरीके से आ रही है, अगर आप देखना चाहते हैं सारी वैल्यूज़ को इस टेबल से वेरीफाई कर सकते हैं। मैंने आपको शुरू में बताया था कि इसका एक शॉर्टकट तरीका भी है, अगर आपको टेबल याद करना है ये तो आप लिख ही सकते हैं कि 000 से लेकर वैल्यूज़ कहाँ तक होंगी, 111 तक होंगी। अब याद करने की शॉर्टकट क्या है वो यहाँ दे रखी है, क्या अगर एस आर इनपुट्स क्या हैं आपके, एस और आर हैं, एस आर दो इनपुट्स हैं, इनके कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 4 00 01 10 11। भाई जो इनपुट हैं एस आर उनके 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। शॉर्टकट टेबल ये कहती है कि जब 00 एस आर दोनों 00 आएंगे तो नई स्टेट हमेशा क्या आएगी, जो पुरानी स्टेट थी। मतलब क्या है इसका, देख लीजिए जब एस आर 00 हैं तो नई स्टेट क्या आ रही है, क्यू प्लस, जो पुरानी स्टेट है क्यू। यहाँ देखिए एस आर दोनों 00 हैं, नई स्टेट क्या आ रही है, क्यू प्लस, जो पुरानी स्टेट है यानी क्यू, ठीक। ऐसे जब एस 0 होगा आर 1 होगा तो आउटपुट ऑलवेज क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेट ऑलवेज क्या आएगी, 0। यानी हमेशा अगर एस 0 है आर 1 है तो नेक्स्ट स्टेट हमेशा 0 ही आएगी। देख लीजिए एस आर जब 01 है तो नेक्स्ट स्टेट हमेशा क्या आ रही है, 0। यहाँ भी देख लीजिए जब एस आर 01 है तो नेक्स्ट स्टेट ऑलवेज 0 आ रही है। जब एस आर 10 होगा तो कुछ करने की जरूरत नहीं और नेक्स्ट स्टेट हमेशा क्या आएगी, 1। देख लीजिए जब एस आर 10 है यहाँ पे देखिए तो नेक्स्ट स्टेट क्या आ रही है, 1 आ रही है। पुरानी स्टेट क्या है उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ देखिए एस आर 10 है, नेक्स्ट स्टेट हमेशा क्या आ रही है, 1। और जब एस आर दोनों 11 होंगे ये वाला केस तो आउटपुट जो नेक्स्ट स्टेट है दैट कैन नॉट बी डिटरमाइंड। डोंट केयर आ रही है दोनों केस में, हमेशा डोंट केयर रहे, ठीक है। तो एस आर फ्लिप फ्लॉप क्या कहता है कि 00 पे तो पुरानी स्टेट मेंटेन रहती है, 01 पे हमेशा 0 आता है, 10 पे हमेशा 1 आता है और 11 पे हमेशा डोंट केयर आता है। ये अगर आपको याद है ये टेबल आपकी ऑटोमेटिकली बन जाएगी। बाकी मैंने आपको वर्किंग समझा दिया है, इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका एक एक्सप्रेशन होता है एस इक्वल टू क्यू प्लस, जो अगर आप इस पे के मैप लगाएं, कार्नो मैप लगाएं और एक्सप्रेशन निकालना चाहें क्यू प्लस का, तो क्यू प्लस का के मैप लगा के एक्सप्रेशन आएगा क्यू प्लस इक्वल टू एस प्लस आर डैश क्यू। ये आप अपने आप ट्राई कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेट निकालने के लिए, क्यू एस आर यूज़ करके इनपुट के मैप बना लीजिए, आपका एक्सप्रेशन ये आएगा क्यू प्लस इक्वल टू नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, एस प्लस आर डैश क्यू हमेशा, ठीक। ये किसके बारे में हमने पढ़ा, सेट रीसेट एस आर फ्लिप फ्लॉप के बारे में। अब आते हैं सेकंड फ्लिप फ्लॉप, दैट इज डी फ्लिप फ्लॉप। जिसको अगर एस आर फ्लिप फ्लॉप समझ में आ गया इसका मतलब ये चारों फ्लिप फ्लॉप अपने आप समझ में आ गए, क्योंकि हल्का सा माइनर डिफरेंस है सभी फ्लिप फ्लॉप के बीच में। अब अगर आप देखें एस आर फ्लिप फ्लॉप और डी फ्लिप फ्लॉप में क्या डिफरेंस है, डी फ्लिप फ्लॉप की फुल फॉर्म क्या है, डेटा फ्लिप फ्लॉप या डिले फ्लिप फ्लॉप, ठीक। क्यों कहते हैं ये मैं अभी आपको बताऊंगा, इसको डेटा फ्लिप फ्लॉप या डिले फ्लिप फ्लॉप क्यों कहते हैं इसको। इसमें देखिए ये जो डायग्राम आपने बनाया है ऊपर, सेम डायग्राम नीचे बना हुआ है, देखिए पूरा डायग्राम सेम है, डिफरेंस सिर्फ कहाँ पर है कि हमने एस और आर की जगह क्या कर दिया है, एस की जगह तो हमने डी कर दिया है, देखिए जो एस लिखा हुआ था इसकी जगह क्या कर दिया हमने डी, और आर की जगह क्या कर दिया हमने डी का कॉम्प्लीमेंट कर दिया, यानी यहाँ डी यहाँ पर डी डैश, और इसके अलावा कोई भी चेंज नहीं है सर्किट में। जो ये डायग्राम बना हुआ है वही सेम डायग्राम यहाँ पर है, सिर्फ एस की जगह आपने क्या किया है डी और आर की जगह क्या किया आपने डी डैश, बाकी सब कुछ सेम है, क्लॉक पल्स भी वही उसी जैसी रहेंगी। टेबल में क्या चेंज आएगा, करेक्टरिस्टिक टेबल में क्या चेंज आएगा, यहाँ पर तो दो इनपुट थे क्यू एस आर, यहाँ पर कितने होंगे क्यू और डी, एक ही इनपुट होगा क्योंकि डी डैश तो उसका जस्ट कॉम्प्लीमेंट है, दो इनपुट होंगे क्यू और डी, क्यू और डी, और यहाँ पर कहेंगे क्यू प्लस डैश, ठीक।
इसके कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, यहाँ तो क्यू एस आर था तो तीन तीन कॉम्बिनेशन थे, यहाँ पर क्यू ओ डी चार कॉम्बिनेशन बनेंगे, 0001 1011। ठीक है, इसकी शॉर्टकट टेबल से बता देता हूँ ये कैसे आया। डी फ्लिप फ्लॉप की क्या खासियत है, इसमें देखो एस आर क्यू प्लस लिया था हमने, यहाँ पर हमें एस आर की जगह सिर्फ क्या लेंगे, डी और क्यू प्लस, एक ही तो इनपुट है, यहाँ दो इनपुट थे, यहाँ एक इनपुट है। डी फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है कि जो भी डी की वैल्यू होती है वही एज इट इज क्यू प्लस पे आती है, यानी डी फ्लिप फ्लॉप में क्या होगा, जो डी पे दे दिया वही आपको नेक्स्ट स्टेट में मिल गया। अगर डी जीरो है तो नेक्स्ट स्टेट जीरो है, डी वन है तो नेक्स्ट स्टेट वन। देख लीजिए ऊपर वाले टेबल में कोई भी कॉम्बिनेशन ले लीजिए, 0001 1011, जो डी की वैल्यू है वही नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू आ रही होगी, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, जो डी पर है वही आउटपुट पर है। ठीक है, क्यू प्लस डैश कैसे निकलेगा, ये वाली वैल्यू जो यहाँ लिखा हुआ है इसको कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए, इसमें तो कुछ है नहीं स्पेशल निकालने को। इसका एक केस लेके हम बता देते हैं, जैसे हमने इसमें कैलकुलेशन लेके बताया था, कोई भी एक केस ले लेते हैं, इसे मान लीजिए लास्ट वाला केस ले लेते हैं कि अगर क्यू डी है, अगर क्यू वन है और डी वन है तो क्या यही वैल्यू आएंगी, चेक कर लेते हैं। क्यू क्या है, वन है, क्यू वन है, इसका मतलब क्यू डैश क्या होगा, जीरो। क्यू वन है, डी वन है, डी वन ले रखा है, अगर डी वन है तो डी डैश क्या होगा हमारा, जीरो। ठीक, इस वाले केस के लिए अब देखो जीरो और वन का एंड कितना आएगा, जीरो। यहाँ देख लीजिए वन और वन का एंड कितना आएगा, वन। अब मैंने क्या बताया, चाहे पहले वन पे कैलकुलेशन कर लीजिए या टू पे कर लीजिए, आपकी मर्जी है। मान लो हम वन पे कैलकुलेट कर रहे हैं, देख लो अगर वन पे पहले कैलकुलेट कर रहे हैं तो जीरो वैल्यू तो ये आ रही है और यहाँ से वैल्यू क्या जा रही है, जीरो। जीरो और जीरो का नॉर करिए क्या आएगा, जीरो प्लस जीरो जीरो, कॉम्प्लीमेंट वन, यानी नई वैल्यू भी वन ही आ रही है, ये वन इधर आया, वन वन वन, कॉम्प्लीमेंट जीरो, फिर से जीरो आ गई, लेकिन क्योंकि अभी तो क्लॉक पास बची हुई है फिर दोबारा फीडबैक होगा, जीरो 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 वन, फिर यह वन इधर आया, वन 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 जीरो। कितनी भी देर क्लॉक पास चलती रहे वैल्यू किस पे फिक्स हो गई, कॉन्स्टेंट हो गई, ये वाली वैल्यू वन, ये वाली वैल्यू जीरो, यानी क्यू प्लस क्या आ रहा है, वन, और क्यू प्लस डैश जीरो। देख लीजिए क्यू प्लस क्या आ रहा है, वन, क्यू प्लस डैश जीरो आ रहा है, क्लियर। तो ये हो गया डी फ्लिप फ्लॉप। डी फ्लिप फ्लॉप को हमने बताया था, ये बताएंगे डेटा फ्लिप फ्लॉप क्यों कहते हैं, क्योंकि जो डी पर दिया वही आपको नेक्स्ट स्टेट मिल गया, डेटा फ्लिप फ्लॉप। डिले फ्लिप फ्लॉप क्यों कहते हैं कि अगर आपको कहीं भी सर्किट में डिले क्रिएट करना हो तो डी फ्लिप फ्लॉप लगा दीजिए, क्योंकि डी फ्लिप फ्लॉप जितने लगाएंगे क्या करेगा, कोई चेंजेस नहीं करेगा, सिर्फ सर्किट में डिले क्रिएट करेगा, क्योंकि इस पे तो जो इनपुट देंगे वही आउटपुट निकल के आएगा। अगर आपको चार सेकंड का डिले करना है, चार डी फ्लिप फ्लॉप लगा दीजिए वन सेकंड के, वैल्यू एज इट इज पास करके दे देगा सर्किट। ठीक है, तो ये सिर्फ क्या करता है, डिले क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो इनपुट दे रहे हैं डी पर वही आपको नेक्स्ट स्टेट में मिल जा रहा है, इसलिए इसका दूसरा नाम डिले फ्लिप फ्लॉप भी है। अब आते हैं जेके फ्लिप फ्लॉप पर, जेके फ्लिप फ्लॉप क्यों आया, लिखा हुआ है हमने इट इज़ द मॉडिफाइड एसआर फ्लिप फ्लॉप, इसको हम क्या कहते हैं, मॉडिफाइड एसआर फ्लिप फ्लॉप। एसआर फ्लिप फ्लॉप में मॉडिफाइड क्यों जरूरत पड़ी, बाकी कहीं कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ इस वाली प्रॉब्लम को दूर किया है जेके फ्लिप फ्लॉप ने। ठीक, जेके फ्लिप फ्लॉप की अगर आप देखें टेबल, दोनों की टेबल क्यू एस आर क्यू जेके, एस आर की जगह सिर्फ हमने क्या कर दिया है, जेके कर दिया है। यहाँ भी देखिए इसका डायग्राम, इसका डायग्राम, दोनों में क्या डिफरेंस है, एस की जगह हमने क्या कर दिया है, जे, आर की जगह के, और कोई चेंज नहीं है। पहली बात, एक और चेंज किया, एक तो नाम चेंज किया, एस की जगह जे, आर की जगह के, लेकिन ये जो प्रॉब्लम आ रही थी हमारी डोंट केयर वाली, जब एस आर दोनों वन वन थे तो जे के पे जो एस आर में जो प्रॉब्लम आ रही थी इनडिटर्मिनिस्टिक स्टेट की, उसको दूर करने के लिए जे के ने क्या किया, एक्स्ट्रा पार्ट यूज़ किया, यानी यहाँ देखिए ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट देखिए, ये डिफरेंट है, ये इसमें नहीं है दोनों जगह, ये इसमें है। इस पार्ट ने क्या किया, इस पार्ट ने ये वाली प्रॉब्लम दूर कर दी इंटरटर्मिनिस्टिक स्टेट की, यानी एक फीडबैक आपने और बढ़ा दिया जो यहाँ से यहाँ जा रहा है, या जो यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये नॉर्मली नहीं था किसमें, पहले। ठीक है, तो अब देखते हैं वर्किंग क्या हो रही है। अगर आप वर्किंग में देखें, अगर आप शॉर्टकट टेबल पहले कंपेयर कर लें तो देखिए एस आर क्यू प्लस था, जे के क्यू प्लस, कोई बाकी चीज नहीं है सिर्फ वन वन वाले केस के अलावा। जब जीरो जीरो था एस आर में तो क्या आ रहा था, क्यू, जे के भी जब जीरो जीरो है तो क्यू आ रहा है, जीरो वन है तो इसमें जीरो आ रहा था, जीरो वन पे जे के में भी जीरो जीरो आ रही है नेक्स्ट स्टेट,
इसमें जब 1-0 था तो 1 आ रहा है, इसमें 1-0 पर 1 आ रहा है, यानी क्यों SR फ्लिप फ्लॉप और JK फ्लिप फ्लॉप तीनों स्टेट के लिए सेम ही रिजल्ट देते हैं। यहाँ भी देखिएगा सेम ही रिजल्ट आ रहा होगा, ये टेबल और ये टेबल मैच कर रही होगी एक्सेप्ट द 1-1। 1-1 पर ये क्या देता है, डॉट गेयर, यानी इसमें कैलकुलेट नहीं कर सकते। जबकि 1-1 पे आप यहाँ देखिए, यहाँ क्या कह रहा है, क्यू डैश यानी पुरानी स्टेट का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ नहीं था, यहाँ हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि जो नेक्स्ट स्टेट आएगी वो पुरानी स्टेट की कॉम्प्लीमेंट आएगी, उसके लिए इन्होंने क्या करा है, ये एडिशनल पार्ट इसमें बढ़ा दिया है। ठीक, तो ये तो हमने शॉर्टकट बताया, जब किसी भी पॉइंट पे चेक कर सकते हैं। जैसे हमने जे के कहा 1-1 है, तो देख लीजिए जे के जब 1-1 है, जब जे के 1-1 है तो क्या आएगी, नेक्स्ट स्टेट पुराने स्टेट का कॉम्प्लीमेंट। जब जे के 1-1 है, पुराने स्टेट क्या है, 0, नेक्स्ट स्टेट क्या कर रही है, 1, क्यों, पुराने स्टेट का कॉम्प्लीमेंट। ये देखिए 1-1-1-1, जब जे के 1-1 है, पुराने स्टेट क्या है, क्यू, नेक्स्ट स्टेट क्या आ रही है, 0, पुराने स्टेट का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये तो हमने बता दिया शॉर्ट टेबल से इसको कैसे बनाते हैं, क्योंकि करीब करीब सेम ही है ये SR फ्लिप फ्लॉप जैसी। अब आते हैं कि इसकी वर्किंग, किसी एक केस के लिए वर्किंग देख लेते हैं। मान लो जो हमारे बाकी सब केस तो सेम है जैसे हमने SR फ्लिप फ्लॉप में डिस्कस किए, सिर्फ कहाँ पर चेंज है हमारा, जब जे और के दोनों क्या होंगे, 1-1। यही तो प्रॉब्लमेटिक था, उस प्रॉब्लम को चेक कर लेते हैं, क्या वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो रही है इससे या नहीं। तो चेक कर लीजिए 0-1-1 के लिए, क्यू क्या है, 0, क्यू को आप 0 ले लीजिए। ठीक, जे और के दोनों क्या है, 1-1, जे 1 ले लीजिए, के 1 ले लीजिए, क्लॉक पल्स तो 1 होगी तभी सर्किट वर्क करेगा, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। अब आप देखिए ये वैल्यू यहाँ पर क्या है, क्यू हमने 0 ले रखा है, यानी क्यू डैश क्या होगा, 1, भाई ये तो ले रखा है क्यू की वैल्यू 0, तो क्यू 0 है, क्यू डैश क्या होगा, 1 होगा। ठीक, इनिशियली क्लॉक पल्स देने से पहले, अब जैसे ही आप क्लॉक पल्स देंगे तो उस समय देखिए ये कैलकुलेट करेगा पार्ट, ये पार्ट कैलकुलेट करेगा जैसे क्लॉक पल्स एक्टिव होगी। तो यहाँ से इसको ये वाली वैल्यू किधर जा रही है, अभी ये 0 जो है इस समय इसको यहाँ 0 मिल रहा है क्लॉक पल्स देने से पहले, क्लॉक पल्स देने से पहले ये वाली वैल्यू कहाँ पर आ रही है, यहाँ पर आ रही है। अब आपने क्लॉक पल्स अप्लाई की, मान लो क्लॉक पल्स आपने अप्लाई की, ये वाली पॉजिटिव पार्ट स्टार्ट हो गया, पार्ट स्टार्ट होने के बाद क्या हुआ, 0-1-1 कितना आया, 0, इधर देख लीजिए 1-1 और क्लॉक पल्स कितनी है, 1-1-1 का कितना आया, 1। अब पहले किसी पे भी कैलकुलेट कर लीजिए, मैंने बता दिया, हम बाय डिफॉल्ट क्या एज्यूम करते हैं, 1 पे कैलकुलेट कर लेते हैं, 0 पे भी क्या, इस पे भी कैलकुलेट करेंगे तो भी रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं है। मान लो पहले हम इस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इस पे जब पहले कैलकुलेट कर रहे हैं तो 0 वैल्यू तो इधर आ रही है, यहाँ से क्या आ रहा है, ये वैल्यू क्या है, 1, तो 1 यहाँ जा रहा है। ठीक, 0+1 1 क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट होगा, 0+1 1 कॉम्प्लीमेंट 0, यानी नई वैल्यू भी क्या आ रही है, 0, ये 0 फीडबैक होके इधर आ रहा है, यानी 0+1 1 कॉम्प्लीमेंट 0, नई वैल्यू कितनी होगी, 0, फिर ये 0 इधर गया, क्योंकि क्लॉक पल्स तो अभी एक्टिव है, फिर ये 0 इधर गया, 0+0 0 कॉम्प्लीमेंट 1, ये 1 फिर इधर इधर आया, 1-1-1 0, फिर ये इधर गया, 0-0 1, फिर ये इधर आया, 1-1 0, किस पर आगे वैल्यू कांस्टेंट हो गई, ये 1 ये 0। ठीक है, ये 1 और ये 0 पे आगे वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट हो गई। तो क्यू प्लस क्या आ रहा है, 1, क्यू प्लस डैश क्या आ रहा है, 0। ठीक, ये तो बहुत कम टाइम में फीडबैक हो रहा है, इसलिए वैल्यू कब तक रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, लेकिन इसमें अभी काफ़ी टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो ये एकदम ये नहीं कि यहाँ फीडबैक एकदम पहुँच जाएगा, उससे पहले ये वैल्यू स्टेबल हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इसकी वजह से भी एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है जिसको हम कहते हैं रेस अराउंड कंडीशन। जेके फ्लिप फ्लॉप में भी ये जो फीडबैक है इससे रिजल्ट तो आ गया, लेकिन कभी कभी इसकी वजह से भी एक प्रॉब्लम हो जाती है जिसको हम कहते हैं रेस अराउंड कंडीशन, उसको हम अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे, बिकॉज हेयर वी आर डिस्कसिंग ओनली द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप, द प्रॉब्लम ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप विल डिस्कस इन ए सेपरेट वीडियो। ठीक है, तो जो प्रॉब्लम थी वो दूर हो गई, आगे आपका ये 1 आ रहा है, ये 0 आ रहा है, दोनों वैल्यू डिफरेंट आ रही हैं, जो कि इसमें क्या आ रही थी, सेम आ रही थी, वो प्रॉब्लम दूर कर दी। अब जेके ने वो प्रॉब्लम दूर कर दी, लेकिन जेके में इनपुट कितने थे, 2 इनपुट थे, हम चाहते हैं कम से कम इनपुट यूज़ करना, तो हमने क्या किया, जेके वाले में दोनों इनपुट जे और के किए गए, हमने क्या कर दिया, एक इनपुट कर दिया, भाई जे और के दोनों की जगह सिर्फ क्या लगा रहे हैं, जे और के दोनों को हमने क्या कर दिया, टी कर दिया, यानी जे की जगह भी क्या लगा दिया हमने, टी, और के की जगह भी क्या कर दिया हमने, उसी टी को लगा दिया, और कोई चेंज नहीं है। अगर आप जे के फ्लिप फ्लॉप
और टी फ्लिप फ्लॉप या टॉगल फ्लिप फ्लॉप में देखें तो दोनों के डायग्राम में कोई भी डिफरेंस नहीं है एज इट इज़ इंक्लूडिंग फीडबैक। सिर्फ क्या है डिफरेंस कि जे इक्वल टू के इक्वल टू टी, ये हमने चेंज किया है, दो इनपुट का एक इनपुट बना दिया है। तो टी फ्लिप फ्लॉप इज बेसिकली द सिंप्लीफाइड जे के फ्लिप फ्लॉप, जिसमें दो इनपुट जे और के की जगह हमने क्या कर दिया, जे की जगह भी टी और के की जगह भी क्या कर दिया, यहाँ से कनेक्शन, बाकी देखिए सब कुछ आपका सेम है। ठीक, टी फ्लिप फ्लॉप की शॉर्ट टेबल क्या कहती है, अगर शॉर्टकट से बनाना हो इसको, टेबल को याद ना करना चाहें आप, तो ये क्या कहती है, एक ही इनपुट है टी, अगर टी जीरो है तो नेक्स्ट स्टेट हमेशा क्या आएगी, जो पुरानी स्टेट है, और अगर टी वन है तो पुरानी स्टेट का हमेशा कॉम्प्लीमेंट आए, ये वाली याद कर लीजिए, ये अपने आप बन जाएगी आपकी, टी जीरो पुरानी स्टेट, टी वन न्यू स्टेट, सॉरी अगर टी वन है तो पुरानी स्टेट का कॉम्प्लीमेंट। ठीक, जीरो पर पुरानी स्टेट और वन पे पुरानी स्टेट का कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए जीरो पुरानी स्टेट, वन पुरानी स्टेट का कॉम्प्लीमेंट, जीरो पुरानी स्टेट, वन पुरानी स्टेट का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये आपके टी फ्लिप फ्लॉप है। एक वैल्यू वेरीफाई करके देख लेते हैं, जैसे हमने बाकी तीनों में वेरीफाई किया, कोई भी एक केस ले लेते हैं, मान लीजिए वन जीरो वाला केस ले लेता हूँ, वन जीरो पे क्या आना चाहिए, वन आना चाहिए, तो देख लेते हैं पहले क्यू की वैल्यू क्या है, वन, क्यू वन है, यानी क्यू डैश कितना है, टी कितना है, जीरो, टी को जीरो ले लीजिए, यहाँ टी जीरो है तो यहाँ भी टी क्या होगा, जीरो होगा, ये वैल्यू वन है तो यहाँ पर भी क्या होगी, वन, ये वैल्यू जीरो है तो यहाँ पर भी क्या होगी, वन जीरो वन कितना आ गया, जीरो 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 वन, ये भी कितना आ गया, जीरो। ठीक, अब देखिए पहले इस पे कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ जीरो है, ये वाला जीरो जीरो जीरो, नॉर करके क्या आया, वन, नई वैल्यू वन आ गई, ये वन इधर आया, वन जीरो वन प्लस जीरो वन कॉम्प्लीमेंट जीरो, ये वाली जीरो आ गई, नई वाली भी, फिर जीरो इधर गया, जीरो जीरो वन, फिर वन वन जीरो, किस पे कांस्टेंट हो गई, हम कब तक फीडबैक कैलकुलेट करते रहते हैं, जब तक ये वैल्यूज कांस्टेंट नहीं हो जाती। तो क्या आ गया रिजल्ट, यहाँ वन यहाँ जीरो, यानी क्यू प्लस कितना आ गया, वन, क्यू प्लस डैश कितना आ गया, जीरो। तो टी फ्लिप फ्लॉप इस तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द वर्किंग ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप, कैसे उनकी शॉर्ट टेबल होती है जिसकी हेल्प से लॉन्ग टेबल बना सकती हैं, किस तरीके से फ्लिप फ्लॉप वर्क करते हैं। ठीक है, इन 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 द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट द रेस अराउंड कंडीशन, जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जेके फ्लिप फ्लॉप ने ऐसा की प्रॉब्लम दूर कर दी, लेकिन इसकी अपनी एक और प्रॉब्लम है जिसको हम कहते हैं रेस अराउंड प्रॉब्लम, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, उसको हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, द रेस अराउंड प्रॉब्लम इन जेके फ्लिप फ्लॉप। थैंक यू।